नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई जानकारी के साथ आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अब बात करते हैं सपने की। अगर आपने सपने में सफ़ेद घोड़ा देखा है तो इसका क्या अर्थ होता है? दोस्तों, अगर आपने सपने में सफ़ेद घोड़ा देखा है तो यह वास्तव में बहुत ही शुभ सपना माना गया है। इस आपके जीवन में सुख शांति आती है और आपके परिवार और सामाजिक जीवन में सुख शांति आती है और आपके जीवन में जो कलेश है वो सब खत्म होते हैं। दोस्तों, सपने में सफ़ेद घोड़ा देखना सफलता का सूचक माना गया है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं और धीरे धीरे सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। और अगर सपने में उड़ता हुआ सफेद घोड़ा दिखाई दिया है तो यह सपना बहुत ही शुभ होता है। आपको ऐसी सफलता मिलेगी जिसकी तो आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। मानसिक तनाव और चिंता से ग्रस्त व्यक्ति को राहत मिलेगी। अगर आप सपने में सफ़ेद घोड़े की सवारी करते हैं तो या दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े को देखते हैं तो यह सपना आपके भाग्य में बहुत जल्दी वृद्धि लाने वाला है। आपका भाग्य जल्दी उदय होने वाला है और जल्दी ही आपके भाग्य में परिवर्तन आने के संकेत करता है यह सपना। इसके पश्चात आपने सपने में काला घोड़ा देखा है, काले घोड़े को उड़ते हुए देखा है, काले घोड़े की सवारी करते हुए देखा है या काले घोड़े को दौड़ते हुए देखा है तो यह सपना भी बहुत शुभ होता है। आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, किसी कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के संकेत हैं यह सपना बताता है। और अगर आपने सपने में लाल घोड़ा देखा है तो यह सपना बताता है कि आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको मन लगाकर खूब मेहनत करनी होगी तभी आप सफल हो पाएंगे। और अगर आप विफल भी हो गए तो आपको फिर से प्रयास करना चाहिए। किसी भी काम को लेकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप जरूर सफल होंगे। और अगर आपने सपने में मरा हुआ और बीमार घोड़ा देखा है तो यह सपना थोड़ा नेगेटिव होता है। यह सपना चिंता और परेशानियों के आने का संकेत करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अधिक जानकारी के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।